नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं। मैं विनीता शर्मा और आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए की लागत से बने आयुर्वेद अस्पताल पर उद्घाटन के बाद भी ताला लटकने का मामला मंगलवार को विधानसभा में गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राज्य की सरकार को घेरते हुए विधानसभा में कहा कि मैंने आज से 35 दिन पूर्व इस भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया था, लेकिन आज भी 8 करोड़ की बिल्डिंग खाली पड़ी है। वहां इसलिए स्टाफ को शिफ्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि उस भवन का उद्घाटन मैंने किया है। वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राठौर उद्घाटन करने वाले कौन होते हैं और अब लोकार्पण पट्टी को तोड़कर उसका पुनः मंत्री से उद्घाटन करवाने की तैयारियां चल रही है। वहीं इस मौके पर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कभी प्रभारी मंत्री जी कह देते हैं कि होगा राजेंद्र राठौड़ यहाँ का एमएलए, जीत गया तो जीत गया, सरकार हमारी है, हम करेंगे उद्घाटन। मैं मेरे उदाहरण दे रहा हूँ, मैं 7 बार जीता हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रत्नगर के अंदर अम्बेडकर भवन बीजेपी के शासनकाल में स्वीकृत हुआ, बीजेपी के शासनकाल में पूरा हुआ। ये उस आयुष औषधालय जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ, इसका उद्घाटन हमारी पट्टी तोड़ के दोबारा करवाएंगे। हमारी हालात क्या है सभापति महोदय, ये प्रभारी मंत्री लोग जाते हैं, ये वहाँ अपना दरबार लगाते हैं, ये जिला कलेक्टर में मीटिंग करते हैं। हम अगर उस परिसर के अंदर प्रवेश कर जाए, उस सभा कक्ष के अंदर, तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय कोने के अंदर कुर्सी अपने आप उठा के बैठ जाए तो बैठ जाए। ये हो क्या रहा है? हम डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैंने उद्घाटन कर दिया, बिल्डिंग खाली पड़ी है। आयुष औषधालय की 8 करोड़ की बनी हुई बिल्डिंग में इसलिए स्टाफ शिफ्ट नहीं हुआ, राजेंद्र राठौड़ उद्घाटन कराया, कौन होता है? मैं समझता हूँ ये पीड़ा मेरी नहीं है, एक एक के मन में पीड़ा है। ये जो हालात बनी हुई है, और मैं आज कह रहा हूँ, जुम्मेवारी से कह रहा हूँ, मंत्री महोदय गरूर में मत रहो, समय का चक्र घूम रहा है, समय के पहिए के घूमने के साथ अगर आप ये चाहते हो इसी प्रकार का व्यवहार हम करें, आपको कैसा लगेगा? ये समय बता रहा है 0.5% का अंतर है, हम भी वहां आ सकते थे, इसलिए कृपया गरूर में मत रहो। आप खुद, आपके मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री, आपके जिले के मंत्री, आपके उस विभाग के मंत्री जब ये कहेंगे उद्घाटन मत करवाना, उद्घाटन कराने की आवश्यकता नहीं, जब आपके मंत्री खुद ये कहेंगे कि अगर उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन स्थल पर तुम चले गए, सभापति महोदय ये नहीं आता, जे ये नहीं आता। अगर हम कहीं दौरे पर चले जाएं और टेलीफोन करके, ये पहली बार हो रहा है राजस्थान में, टेलीफोन करके कहें कि मैं अमुक गांव के चौपाल में खड़ा हूं, जैन साहब यहां पानी आए हुए 15 दिन हो गया, कहते हैं आप दफ्तर में आ जाना, ये क्या है? रेल प्रशासन की ओर से बंद रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर सादुलपुर के गांव गुगलवा कीर्तान बास भरिंड रेल संघर्ष समिति कार्यकर्ताओं ने आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने के दौरान ग्रामीणों ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया व मांग के समर्थन में आंदोलन में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने की अपील की। सब 40 साल से जब से ये ट्रैक पड़ी थी तब से हम इस रास्ते की मांग करते आ रहे हैं। अब हमारे गांव की सीमा है वो रेलवे ट्रैक के उस पार है, 90% जो कृषि भूमि हमारी वहाँ इस पार है पश्चिम की ओर। अब हमारी माताएं बहने हैं उनके घास की बरोटी किसी गड्ढे ऊंट से लाने के लिए भी हमें बहुत महा परेशानी है। अब 1 किलोमीटर की जगह भी नहीं है, रेलवे ट्रैक के पास हमारे खेत हैं, लेकिन 17 किलोमीटर की दूरी तय करके हमें वहीं उसी गांव में आना पड़ता है। बहुत विकट समस्या है, इस विकट समस्या के लिए हमने हजारों बार प्रयास किए, लेकिन उस निकम्मी प्रशासन ने हमारी एक भी नहीं सुनी, हम तंग आकर के ये धरना प्रसाद चालू किया है। वहीं समिति कार्यकर्ताओं ने मांग के समर्थन में सांसद राहुल कसवा को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि न्याय संगत कार्रवाई नहीं हुई तो रेल रोको आंदोलन शुरू करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने रास्ता खुलवाकर ओवरब्रिज निर्माण करने की भी मांग की। गुगलवा कीर्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर जो धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, क्या आगामी रूपरेखा आपकी? हमारी आगामी रूपरेखा ये है कि हम यहाँ के ऊपर ट्रेन रोकेंगे, और जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं करी जाएगी हम यहाँ से ट्रेन को हिलने नहीं देंगे। राजगढ़ क्षेत्र में करीब 3 महीने पहले एक नाबालिग बालिका के अपहरण करने का मामला सामने आया था। मामले को लेकर आज सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने पीड़ित परिवार के साथ
पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मुलाकात कर ज्ञापन दिया व अपहरण बालिका को दस्तयाब करने की मांग की। FIR नंबर 488/19 एक नाबालिग मेघवाला की बच्ची का पिछले 3.5 महीने से अपहरण हो गया और 3.5 महीने से दलित समाज दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और आज तक इनको कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बात को लेकर आज पूरा प्रतिनिधिमंडल मैडम से हमने इस बात की गुहार की है कि इस दलितों के साथ या तो न्याय करें, तुरंत प्रभाव दस्तयाब करके इस परिवार को बच्ची को सौंपा जाए, नहीं तो जनता आंदोलन करेगी। हम इस मिशन को लेकर राजगढ़ में SDM ऑफिस के सामने अगर हमारी 5 दिन में बात नहीं सुनी गई, नहीं तलब की गई, तो हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और कानून में। जिला मुख्यालय स्थित DB अस्पताल में आज शहर के युवाओं ने शहीदों की याद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर के युवा मंच के द्वारा आयोजित शिविर में पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभापति ने रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए इसे एक पुनीत कार्य बताया। बच्चों के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, तो उनके द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैं यहाँ पर आई हूँ और इनको उत्साह वर्धन करने के लिए। वहीं इस मौके पर सभापति ने राजकीय DB अस्पताल स्थित मातृ शिशु अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर काफी रोष व्यक्त किया। वे PMO डॉक्टर गोगाराम दानोदिया से वार्ता कर इसे दुरुस्त करने व संबंधित सफाई ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जो मातृ शिशु वाला जो वार्ड था उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी पाई गई है और जो टॉयलेट्स है वो बहुत ज़्यादा गंदे पाए गए हैं और PMO साहब से बात करने पर बताया गया है कि यहाँ पे जो है कोई लीकेज वगैरह है तो उसको जल्दी ठीक करवाया जाएगा। माताओं से बात करके उनसे वो संतुष्ट हैं, जितनी जैसी भी सर्विसेज उनको यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन जो सफाई व्यवस्था वो बहुत चरमराई हुई है और मैं बड़ी आहत हुई सफाई व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने यहाँ पे आके शिलान्यास किया था और जो हमारे हाजी जी हैं उनके अथक प्रयासों से ये हॉस्पिटल यहाँ पे बना है और इतना अच्छा स्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतनी अच्छी बिल्डिंग होने के बावजूद आज आम जनता ने इसे खराब कर रखा है और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी इसके अंदर नहीं हो पा रही है ढंग से। जगह जगह थूकने के निशान हो रखे हैं और बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है कहीं से भी है, तो इतनी अच्छी बिल्डिंग होने के बावजूद भी आज जो ये चरमरा गया है इससे मैं बड़ी दिक्कत हूँ। तो क्या सुधारने के लिए क्या प्रयास करें? जो ठेकेदार यहाँ पे मेरे को पूछने के ऊपर यही पाया गया है कि जो ठेकेदार वो आ नहीं रहे हैं और रजिस्टर के अंदर भी उनपे क्रॉस लगाया हुआ है, तो उनको ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और साथ में आधा दूसरा ठेका दिया जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट पेमेंट पे भी यहाँ पे सफाई करवाई जा सकती है। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू की शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उत्कृष्ट छात्र भामाशाह सम्मान व पूर्व छात्र सम्मान समारोह का शुभारंभ शिक्षा विभाग के उप निदेशक कार्यालय के संयुक्त निदेशक ओम फगेड़िया व सूचना केंद्र के सहायक निदेशक कुमार अजय ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त निदेशक ओम फगेड़िया ने कहा कि माँ भारती के सपूत राजेश को हर भारतीय सदैव याद रखेगा। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों को बोर्ड की परीक्षा में एकाग्रता से पढ़ना होगा जिससे परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके। इस मौके पर कुमार अजय ने 12वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाली बेटी को 11,000 रुपए का अवार्ड हर साल देने की घोषणा की। इस अवसर पर शहीद के पिता रामलाल फगेड़िया, चंद्राराम गुरी, प्रभुदयाल, अब्दुल हबीब, अनवरी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य प्रताप कुमावत ने शाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी गयी। आज शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खांगू में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर उत्कृष्ट छात्र समारोह भामाशाह जो विद्यालय के पूर्व रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है और जो विद्यालय के पूर्व छात्र जो इस बड़े बड़े पदों पर IG DIG डॉक्टर बहुत बड़े बड़े पदों पे गए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और सम्मानित के दौर में राज्य सरकार की मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाहों को विद्यालय से जोड़ा जाए और जो पूर्व छात्र हैं उनको भी विद्यालय से जोड़े जाएँ ताकि उनसे बच्चे ये सीखें कि हमारे विद्यालय गवर्नमेंट से निकल के बच्चे पहले पूर्व बच्चे जो कहाँ पहुँच गए तो उन बच्चों को संबल मिले और उन संबल के दौरान ये बच्चे आगे प्रभावित हैं, इसलिए सरकार की मंशाओं को हमने ध्यान में रखते हुए आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। जिले में पिछले 2-3 दिनों से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का एहसास चालू हो गया है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार आगामी 28 तारीख को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है।
आम जन की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने अपनी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली है और शीघ्र ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रतनगढ़ के उपखंड अधिकारी गौरव सैनी ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चूरू के महावीर प्लाजा में आज नागणेचा जोधपुरी साफा हाउस में वीर सावरकर की 54वीं पुण्यतिथि पर सावरकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके बलिदान को याद किया। जिला प्रमुख हरलाल सहारण के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया था, आजादी के लिए, आजादी के जंग के लिए उन्होंने आपके प्राण न्यौछावर किए थे, इसलिए हम आज उनके पुण्यतिथि में याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनको आत्मा और शांति मिले और इसने देश की आजादी के लिए जिसने लड़ा उनकी आज याद में हम सब कार्यकर्ता सभा कर रहे हैं। वहीं सुजानगढ़ में भी आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजल देसर में भी आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सावरकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने भारतीय जनता पार्टी मंडल राजल देसर की ओर से वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि सुबह अशोक बस स्टैंड पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मनाई है। सावरकर जी इस देश के लिए इनका योगदान अतुल्य रहा है। इन्होंने अथक यातनाएं सही और काले पानी की सजा इन्होंने भुगती, अंग्रेजों से संघर्ष किया और इन्होंने जो सपना देखा था आज वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इनके चरणों में, महान स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी के चरणों में सत सत नमन है। वहीं रतनगढ़ में भी आज धनवंतरी नगर स्थित विधायक निवास पर वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर भाजपा मंडल द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हाल ही दिल्ली दंगे में शहीद हुए फतेहपुर शेखावटी के तिहावली ग्राम के दिल्ली पुलिस के जवान रतन लाल को भी मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले में 7 खंडों में बांटकर 227 केंद्रों पर 5 मार्च से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए आज प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। रतनगढ़ के राजकीय भुवालका बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में हुई कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारूपाल व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सांवरमल गहनोलिया ने बोर्ड के नवीनतम निर्देशों व पेपर वितरण व सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी दी। प्रशिक्षण में जिले के 227 केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, पेपर कोऑर्डिनेटर मौजूद थे। शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष जो बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, हमारे 2020 की जो बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होंगी, 5 तारीख से उनका आगाज हो रहा है, उसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो पद परीक्षा में होते हैं, केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक और पेपर कोऑर्डिनेटर, इन तीनों की यहाँ कार्यशाला रखी गई थी। उनको अपने दायित्व, उनके कर्तव्य और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से उनको कार्य करना है, ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी। यहाँ के पूरे जिले को 7 भागों में बांटा गया है, 7 भाग हैं, खंड हैं, उनके सभी सीईओज को हमने आमंत्रित किया, सभी यहाँ पधारे हैं और 7 ब्लॉकों से पूरे जिले भर के 227 जो परीक्षा केंद्र हैं, उन केंद्रों पर जो केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक और पेपर कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी यहाँ कार्यशाला रखवाई गई है। निर्देश तो वही हैं जो बोर्ड ने हमें निर्देश दिए हैं, बुकलेट बोर्ड के द्वारा आई है, सभी को यह वितरित कर दी गई है और उस बुकलेट में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो बोर्ड ने कुछ नए कोई निर्देश दिए हैं, उनको यहाँ शामिल करते हुए हमने सबको यहाँ बताया है। सरदारशहर के वार्ड नंबर 13 में स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 145 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। पब्लिक हेल्थ मैनेजर विजय मूंड ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मौसम बदलने के कारण होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मौसमी बीमारियों से संबंधित जो वायरल बुखार है, सर्दी जुकाम के जो भी मरीज हैं, उनको निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है और साथ में लैब की भी जाँचें की जा रही है, उसमें हीमोग्लोबिन की है, शुगर की आदि जाँचें की जा रही है। यहाँ पे अभी तक लगभग 100 के आसपास मरीजों ने अपना इलाज करवा लिया है। यहाँ पे सरदारशहर में आज तीसरे दिन भी नगरपालिका सफाई कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया।
वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष जितेंद्र के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान कर्मियों का कहना है कि जब तक नगर पालिका में सफाई कर्मी पर नियुक्त कार्मिकों को सफाई के कार्य में नहीं लगवाया जाएगा तब तक हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। गत 3 साल से बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर आज सादुलपुर में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक SDM व बीमा कंपनी के अधिकारियों व बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ मिनी सचिवालय सभागार में हुई। इस अवसर पर किसान नेता भगत सिंह ने कहा कि गत 3 सालों से लगातार मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन किसानों को मात्र आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर SDM इंदिराज सिंह ने कहा कि प्रशासन किसानों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं तथा वाजिब मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया भी गया है। ये जो बीमा हो गया है इसका चैनल का, इसका जब भी निर्धारण होगा क्रॉप कटिंग वहाँ लोकल लेवल पर होगी। अभी चढ़ी फसल पूरी तरह खत्म हो गई, कोई बारिश होगी तो मेरे साथ जो है वो कलर नहीं देती, वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के अधिकारी या जो भी यहाँ डिपार्टमेंट हो रहा है सच्चा बना हुआ वो चेक करता है वो कैसे चेक कर। जिले के खिलाड़ियों के लिए अब एक अच्छी खबर। चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित स्टेडियम में राजस्थान का पहला टाइप 1 सिंथेटिक ट्रैक का भव्य लोकार्पण आगामी 28 फरवरी को होने जा रहा है। इस ट्रैक पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के मुख्य आतिथ्य में होने वाले लोकार्पण समारोह में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। हमने बहुत मेहनत करके कोशिश करके राजस्थान का पहला ओलंपिक लेवल का क्लास 1 सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम किया। बड़ी समस्याएं बीच में आई, कहीं ना कहीं टेंडर क्लास 2 का भी निकल गया था पर हमने दोबारा से उसको रिवाइज करा, क्लास 1 का बनाया। तो क्लास 1 का मतलब ये हो जाता है कि 50 डिग्री का जो टेम्परेचर चूरू के लिए है उसमें ये परफेक्टली फिट बैठेगा और उस टेम्परेचर तक भी ये कभी खराब नहीं होगा। चूरू में बन रहा ये ट्रैक भारत में 4th और राजस्थान में 1st है और इस ट्रैक को बनाने के लिए हमारे सांसद राहुल कसवा ने अलग अलग देशों की टीम्स को बुलाया। ओलंपिक लेवल का क्लास 1 जब आप ट्रैक बनाते हो तो ये एक प्रोफेशनल टीम का काम होता है, ये इजी जॉब नहीं है। इसकी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 400 मीटर का ये जो लेन का ट्रैक है इसके ऊपर पानी अगर वहाँ छोड़ते हो इस कोने में आप तो वो पानी पूरा आपके इस तरफ आना ही चाहिए ड्रेनेज ड्रेन के अंदर, तो प्रोफेशनलिज्म बहुत चाहिए था। इसलिए लंदन की टीम आई थी, पूरा ले उन्होंने अपने हाथों से किया है, 3-4 जो बंदे आए थे और फ्रांस की जो ओलंपिक एसोसिएशन की टीम है वो आके बड़े माइन्यूट लेवल पे चेकिंग करती है एक एक चीज़ का कि क्या वास्तविकता में इंटरनेशनल लेवल का बना है कि नहीं बना है। तो इसके लिए प्रोफेशनल्स बहुत ज़रूरी है, ये एक आम ट्रैक नहीं है जिसे कोई बना दे। तभी मलेशिया की टीम शामिल हुई, अलाइनमेंट कहीं गड़बड़ ना हो, पूरा ट्रैक एक ले में चलना चाहिए, तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है और उसी बात के कारण इसको ट्रैक को हम क्लास 1 बोलते हैं कि ओलंपिक लेवल का बना है। खेलों की अगर बात हुई इंडिया में तो नाम चूरू का जरूर होगा। मेरा ये कोशिश थी कि जब ओलंपिक लेवल की बात चलेगी तो इंडिया के अंदर हमारे पास में इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में नहीं होगा और मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं कि मेरे जिले का नाम चूरू का नाम हर हालत में आए और चूरू का नाम वर्ल्ड लेवल पे दिखे कि हाँ खेलों की बात चलेगी और अगर ओलंपिक लेवल की बात चलेगी तो चूरू का नाम इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। इसी मकसद के साथ में मैंने इतनी हाईली क्वालिफाइड हाईली प्रोफेशनल टीम को शामिल किया इसके अंदर। सच होता देखे इस सपने को 28 फरवरी 2020 चूरू में। आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ये था आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।